इमरति देवी को रास नहीं आ रहे भाजपा के समीकरण, जल्द होगी कांग्रेस में वापसी, भाजपाइयों की उड़ी नींद। आपको बता दें, उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों शिकस्त खाने के बाद इमरति देवी का पहला बयान यही आया था कि डबरा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इसलिए पहली बार कमल थाम कर मैदान में उतरने पर उन्हें हार नसीब हुई है। अब चुनाव आ गए हैं, अनुप मिश्रा की तरह इमरति देवी भी अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान या संकल्प जाहिर कर चुकी है, लेकिन डबरा में भाजपा के मौजूद समीकरण उन्हें रास नहीं आ रही। चूंकि नरोत्तम मिश्रा यहां से 3 बार एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लिहाजा होम सिटी में अफसर रान इमरति देवी के बजाय नरोत्तम के ज्यादा हुक्म अमली करते हैं। बिजली कंपनी पर भी यही बात लागू होती है। परेशान पूर्व मंत्रालय ने अपनी पार्टी को साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यही रवैया बदस्तूर रहा तो वे भाजपा को टाटा बोलकर अपनी पुरानी पार्टी में चली जाएंगी। उपचुनाव में इमरति देवी को हराने वाले सुरेश राजे अब पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर उनकी पार्टी में कौन धुरंधर भीतरघाती है जो पूर्व मंत्रालय के लिए पलक पौंदे बिछाए बैठा है। दरअसल महाराज सिंधिया के साथ कमल थामने वाले बैजनाथ यादव का भाजपा और महल दोनों से ही मोह भंग हो गया है। उनके अजीजों की माने तो ना खुदा ही मिला और ना ही विसाले सनम। शिवपुरी देहात की सियासत में दमखम रखने वाले बैजनाथ ने अपने पुराने घर में अकेले ही वापसी नहीं की है, बल्कि 300 वाहनों के काफिले के साथ राजधानी में ताकत दिखाई। आज बूथ के रोज उन्हें कांग्रेस में लेने के लिए सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि दिग्विजय, अरुण यादव और जयवर्धन सिंह जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। खबर तो यह है कि बैजनाथ को कोलारस से टिकट का पक्का भरोसा मिला है। वे एक मर्तबा अपनी अर्धांगिनी को जिला पंचायत की सदर का चुनाव जितवा चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि देहात पर उनकी पकड़ है, चुनाव में इसी का फायदा लेने कांग्रेस उन्हें भाजपा के दामन से खींचकर अपने आंगन में लाई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।